जनसंख्या सिर्फ मुसलमानों से ही नहीं बढ़ रही, जनसंख्या बढ़ने में सभी लोगों में शामिल हो सकते हैं। ये हर चीज़ को कम्युनलाइज करने की बात करते हैं, हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम एंगल से देखते ही लोग। योगी आदित्यनाथ जी स्वामी हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, तो इस तरह की बातें कर कर वो देश का प्रदेश का माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं। उनका इशारा सीधा सीधा मुसलमानों पर है। ये सिर्फ इसलिए कि ये हर चीज़ को कम्युनलाइज करने की बात कर रहे हैं, हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम एंगल से देखते ही लोग, हमारे मुसलमानों के को खिलाफ करने के लिए ये बात की जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी स्वामी हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, नहीं की है उन्होंने, तो इस तरह की बातें कर कर वो देश का प्रदेश का माहौल ख़राब करने की बात कर रहे हैं। उनका इशारा सीधा सीधा मुसलमानों पर है। जनसंख्या सिर्फ मुसलमानों से ही नहीं बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने में सभी लोगों के शामिल हैं उसमें। इसके लिए कोई ऐसा कानून लाया जाए जो सबको, जो कानून में सबके लोग भी राय लें, हर धर्म के धर्मगुरुओं से, हर पार्टी के नेतागणों से राय मशवरा करें। सही है कि जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो कृषि की ज़मीनें भी कम होती चली जा रही हैं, इसके ऊपर ये होना चाहिए, हम बिल्कुल तैयार हैं इस बात के लिए, मगर उसका तरीका जो हो वो ढंग से होना चाहिए। ये सिर्फ इसलिए कि ये हर चीज़ को कम्युनलाइज करने की बात करते हैं, हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम एंगल से देखते हैं ये लोग। इस चीज़ को भी हिंदू मुस्लिम एंगल से देखने कर ही ये बात कही जा रही है, सिर्फ हमारे मुसलमानों के को खिलाफ करने के लिए ये बात की जा रही है, जबकि हर आदमी ये बात जानता है कि जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, होनी भी चाहिए, मगर सिर्फ इसलिए कि एक मुसलमानों की जो है इशारा मुसलमानों की तरफ है, इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, हिंदू लोग की जनसंख्या कम हो रही है, बिल्कुल गलत सोच है उनकी। उनको देखना चाहिए कि हिंदुस्तान में जिस तरह से जनसंख्या चल रही है उसके हिसाब से भी 500 साल तक भी कभी मुसलमान जो है अक्सरियत में आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता, ये मैं अपनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ। हिंदू भाई हमारे हैं, यहाँ हैं, उनकी हुकूमत है, हम लोग उनके समर्थन में हैं, रहते हैं। हम लोग मुसलमानों का नेता कौन है? कोई मुस्लिम तो है नहीं। आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को कह सकते थे, मगर आप देखिए यूपी के अंदर किसी ने कुछ किया उनके लिए? नहीं लिया। हमारे तो नेता कौन रहे हैं मुसलमानों के? कांग्रेस रही है, समाजवादी रही है, बहुजन समाज पार्टी के रहे हैं, सब रहे हैं। ये तो गैर मुस्लिम ही हैं, ये मुसलमान तो नहीं है। मगर इस चीज़ को कम्युनलाइज करने की बात अच्छी नहीं है, ये बहुत अच्छी सोच उनकी नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण है, नियंत्रण करें और नियंत्रण करने में हम सबका सहयोग लें। हम भी चाहते हैं कि जनसंख्या का नियंत्रण होना चाहिए, देश के लिए भी भलाई की बात है, हमारे बच्चों के भी अच्छे के लिए बात है। ये नहीं है और ये सिर्फ ये सोच लेना कि मुसलमानों का ज़्यादा है, मुसलमानों की वजह से जनसंख्या बढ़ रही, बिल्कुल गलत है। जनसंख्या को कम करने के लिए जितने हमारे पिछड़े लोग हैं, जितने हमारे कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो पढ़ाई की तरफ जिनका ध्यान नहीं है, इनको पढ़ाने की तरफ लेकर आइए, इन्हें पढ़ाइए, शिक्षित कीजिए, खुद ब खुद ही जनसंख्या का नियंत्रण हो जाएगा। शिक्षा के अभाव से ही जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ना किसी भी समुदाय के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि देश, ये तो प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये देश की समस्या है, ये प्रदेश में नहीं। प्रधानमंत्री से कहिए वो लेकर आए वहाँ पर अधिनियम, इसका वहाँ पर बात करें पार्लियामेंट में, इस पर डिबेट करें और पूरे देश की कंट्रोल करने की कोशिश करें। सिर्फ उत्तर प्रदेश में की बात कर कर और ये और किसी एक समुदाय की बात कर कर हमें इस प्रदेश के लोगों में भावनाएँ फैलाने की बात है, हम इस चीज़ के खिलाफ हैं भावनाओं के। हाँ, जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए, उसके लिए सबको मिलकर इसके ऊपर अपने अपने राय लेनी चाहिए, सबकी राय से कानून बनना चाहिए।